In the previous lecture, we saw what is velocity of transverse mechanical progressive wave. अगर आपको याद होगा, for example, we had a string, and when you generate vibration, मतलब you disturb this medium, then you have a wave on this medium, and the speed of the wave is given by under root of T by M, where T is tension produced in the string. And this tension comes from restoring force. हमने in detail देखा था what is restoring force. And m is mass per unit length of the wire. ये जो small m है, ये wire का total mass divided by total length. और tension T, ये जो आपने wire को दोनों end से stretch करके रखा है, तो उसमें जो tension generate होगा, और ये tension generate होता है due to restoring force. This is what we have seen. And in the last session, I roughly introduce what will be velocity of sound, मतलब velocity of longitudinal mechanical waves. So now we want to see in detail velocity of longitudinal wave. But when we talk about longitudinal wave normally we talk about sound. So what is velocity of sound wave? तो साउंड वेव का वेलोसिटी इट इज गिवन बाय न्यूटन्स फॉर्मूला. न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड. वेलोसिटी ऑफ साउंड. सो व्हाट डू यू नीड टू नो इज न्यूटन. न्यूटन स्टडीड हाउ साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू अ होमोजेनियस मीडियम. एंड आपको पता होना चाहिए कि होमोजेनियस मीडियम क्या. सो होमोजेनियस मीडियम इज अ मीडियम इन विच डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर. द केमिकल कंपोजिशन इज ऑल्सो सेम एवरीवेयर. क्योंकि अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंटेनर लिया एंड आई एम पुटिंग ऑक्सीजन इन साइड दैट कंटेनर, और अगर वहां पे किसी रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो डेंसिटी विल चेंज. सो व्हेन यू से होमोजेनियस मीडियम इट मीन्स नंबर वन डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर. Number two, chemical composition is also same everywhere. So Newton did a lot of experiments. उसने अलग अलग टाइप के होमोजेनियस मीडियम लिए एंड देन ही सेंट साउंड वेव्स थ्रू इट एंड देन ही केम टू कंक्लूजन सम फॉर्मूला. मैं बताऊंगा फॉर्मूला क्या है. यू ऑलरेडी नो दिस बट एनीवेज. सो न्यूटन स्टडीड प्रोपोगेशन of sound through homogeneous medium. और आपको पता है कि साउंड बेसिकली प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस. सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होगा, मतलब डेंसिटी विल बी हायर एट कंप्रेशन एंड लोअर एट रेयरफैक्शन. डेंसिटी के जब वेरिएशन होते हैं या प्रेशर के वेरिएशन होते हैं वो सिर्फ इलास्टिक मीडियम में ही पॉसिबल है. सो इफ देयर आर वेरिएशंस ऑफ डेंसिटी और प्रेशर दैट मींस द मीडियम इज इलास्टिक. सो साउंड वेव प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस. The form of compressions and rarefactions. So we already know compressions are regions of high density and high pressure, and rarefactions are regions of low density and low pressure. So compressions are regions of high density and rarefaction. Are regions of low density. Regions of low density. This is only possible in an elastic medium. This is only possible in an elastic medium. Why do we need theory? Is because देखो कोई भी चीज को एक्सप्लेन करना है या फॉर्मूला बनाना है
क्योंकि हमने जो कल फॉर्मूला देखा था v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e बाय m, e बाय m था e बाय रो डेंसिटी। तो ऐसा आप कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली लिख नहीं सकते। अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई यू आर यूजिंग डेंसिटी एंड व्हाई यू आर यूजिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो द आइडिया इज न्यूटन फर्स्ट मेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू होमोजेनियस मीडियम। देन ऑफ कोर्स ही न्यू कि साउंड प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अब कंप्रेशन है और रेयरफैक्शन है मतलब डेंसिटी के वेरिएशंस। अगर मीडियम इलास्टिक होगा ही नहीं तो डेंसिटी के वेरिएशन कैसे होंगे? डेंसिटी वेरिएशंस या प्रेशर के वेरिएशंस आर ओनली पॉसिबल इफ द मीडियम इज इलास्टिक, राइट? अगर आपने एक प्लास्टिक का वायर ले लिया या फिर एक इफ यू टेक सम प्लास्टिक मटेरियल, इन सच मटेरियल यू कैन नॉट बेसिकली चेंज डेंसिटी। तो क्योंकि वो प्लास्टिक है, इट इज नॉट इलास्टिक। प्लास्टिक मतलब वो प्लास्टिक मत समझो, सो प्लास्टिक दैट यू यूज नॉर्मली डे टू डे लाइफ। व्हेन आई से प्लास्टिक मतलब नॉन इलास्टिक, मतलब एक बार आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट विल परमानेंटली बी डिफॉर्म, वो अपना शेप रिगेन नहीं करेगा। सो व्हेन आई से प्लास्टिक हियर दैट मीन्स इट्स नॉट इलास्टिक, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक चॉक, फोर्स लगाया टूट गया टूट गया, आफ्टर आई रिमूव द फोर्स इट विल नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस। तो व्हेन आई से प्लास्टिक यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट इलास्टिक। तो डेंसिटी के वेरिएशंस हो रहे हैं, मतलब एक जगह पे पहले कंप्रेशन जनरेट हुआ मतलब डेंसिटी बढ़ गया, फिर ये कंप्रेशन आगे गया उसी रीजन में रेयरफैक्शन जनरेट हुआ, फिर रेयरफैक्शन आगे गया फिर उसी रीजन में कंप्रेशन जनरेट हुआ। तो कंटिन्यूअसली डेंसिटी के वेरिएशन पॉसिबल होते हैं ओनली इन इलास्टिक मीडियम। एंड दैट इज व्हाई न्यूटन सेड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई बाय रो डेंसिटी, वेयर वेयर ई इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जिनको ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अभी भी नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। देखो द आइडिया हियर इज, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। लेट अस टेक अ वायर, इस वायर को हमने रिजिड सपोर्ट पे टाई कर दिया है एंड देन वी विल पुट सम काइंड ऑफ लोड ऑन टू दिस। तो व्हाट विल डू इज हमने इसके ऊपर एक लोड लगा दिया। लोड मतलब वेट, वेट मतलब एमजी। ये एमजी कहाँ लगेगा? ये पूरे वायर पे लगेगा। तो लेंथ ऑफ द वायर इज एल। ये जो लोड एमजी है ये पूरे वायर पे लग रहा है। वी वांट टू चेक यूनिट एरिया पे कितना, तो उसको आप बोलते हो स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट हाउ मच इज द लोड पर यूनिट एरिया। फिर ये जो लोड आपने लगाया मतलब जो स्ट्रेस आपने अप्लाई किया इसकी वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। स्ट्रेन प्रोड्यूस होना मतलब क्या? वायर का लेंथ बढ़ेगा। सो व्हाट यू विल सी इज वंस यू अप्लाई लोड, लोड अप्लाई करने के बाद देयर विल बी अ स्मॉल एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। तो लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया, ये ओरिजिनल लेंथ था अब ये हो गया इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जब आप इसका रेशियो लेते हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको आप बोलते हो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट? नाउ जरूरी नहीं है हर बार लेंथ चेंज होगा। यू मे हैव अ सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वाटर का टैंक है। इस वाटर के टैंक में आपने एक बॉल डाल दिया एंड आपको पता होना चाहिए इफ यू पुट एनी ऑब्जेक्ट इन साइड लिक्विड द लिक्विड स्टार्ट एक्सर्टिंग फोर्स मतलब प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर देर विल बी कंप्रेशन। जैसे यहाँ पे लोड की वजह से लेंथ चेंज हुआ, इस केस में फोर्स की वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ। तो मैंने ये जनरल डेफिनेशन दिया है आपको,
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये जनरल डेफिनेशन है। अगर आप इन दिस केस अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हो, इसको टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं, रिमेंबर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो जब लेंथ चेंज होगा तो स्ट्रेस को नाम देते हैं टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो जब लेंथ चेंज होगा तो स्ट्रेन को बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो जब आप टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन का रेशियो लेते हो तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलता है उसको बोलते हो इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। हम डिटेल्स ऑफ कोर्स इलास्टिसिटी चैप्टर में देखेंगे। सिमिलरली जब वॉल्यूम चेंज होता है तो आप इसको बोलते हो वॉल्यूम स्ट्रेस, इसको बोलते हो वॉल्यूम स्ट्रेन, ये बन जाता है डेल्टा वी बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन को आप बोलते हो इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, करेक्ट। तो ये जो ई लिखा है मैंने, ये ई जनरल है, इट कैन बी इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ या फिर इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम या फिर इलास्टिसिटी ऑफ शेप, गुड। ये जनरल फॉर्मूला है। ऐसा क्यों करना पड़ता है हमको, क्योंकि यू नो आपको याद होगा हमने प्रॉपर्टीज में एक स्टेटमेंट लिखा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तो तीनों टाइप के इलास्टिसिटी मॉड्यूलस हमको लग सकते हैं। तो नाउ यू नीड टू रिमेम्बर दिस। तो बेसिकली ई हियर इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट कैन बी इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, इट कैन बी इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम और इलास्टिसिटी ऑफ शेप। और रो जो है इट इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव्स आर प्रोपोगेटिंग। यहां तक क्लियर? अगर आपको यहां तक समझ में आया, देखो आइडिया ये है कि न्यूटन ने ऐसा ही क्यों फॉर्मूला लिखा, क्योंकि उसके पीछे ये सब बेसिक एक्सप्रेशन था। व्हाट वाज द बेसिक एक्सप्लेनेशन? दैट साउंड वेव प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन है मतलब डेंसिटी के चेंजेस है, मतलब डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। और डेंसिटी या प्रेशर तब चेंज होता है जब मीडियम इलास्टिक हो, तो इलास्टिसिटी के मॉड्यूलस पे भी डिपेंड करेगा, नंबर वन। अब नाउ द थिंग इज, ये जो कंप्रेशन या रेयरफैक्शन जनरेट हुई, ये कंप्रेशन मतलब द फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वॉज टेकन टू बी आइसोथर्मल। अब ये आइसोथर्मल क्या है वो समझने के लिए पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, और वैसा ही कॉन्सेप्ट साउंड के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये जो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये सारे वर्ड्स आपको थर्मोडायनामिक्स में आएंगे, इन केमिस्ट्री आल्सो, इन फिजिक्स आल्सो, बट इन 12। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड नाउ द टाइम बीइंग, मान लो हमारे पास एक चेंबर है, वी हैव अ चेंबर हियर, एंड देन लेट अस टेक अ पिस्टन। इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया मैंने, so some kind of piston, okay। आपको पता है पिस्टन क्या होता है? It's like a cylinder, so you can basically move this piston। तो यहाँ पे पिस्टन, and then you have let's say you have gas molecules here। अब अगर मैं इस पिस्टन को नीचे लाता हूं तो गैस कंप्रेस होगा, यस, डेंसिटी विल इंक्रीज, मतलब कंप्रेशन जैसा हो गया ये। अब इमेजिन कि ये अगर कंप्रेशन स्लो है, वेरी स्लो है, तो बेसिकली पिस्टन अपने आप नीचे आएगा क्या? नहीं, वर्क हैज टू बी डन। वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो द क्वेश्चन हियर इज, ये जो हमने वर्क किया to bring the piston down, it will generate heat in the gas, and if the process is slow, agar ye process slow hua, compression ka process slow hua, to ye jo heat generate hua, ye gas ko time mil jayega to give away this heat to the surrounding। kya ho raha hai? gas compress ho raha hai, lekin compression slow hai, slow hai matlab jo work hua wo heat mein generate hua, aur gas ko time mil gaya ये हीट को सराउंडिंग में देने के लिए। इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, बिकॉज द हीट जनरेटेड वॉज अलाउड टू गो आउट, राइट। तो जब कोई प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है उसको बोलते हो आइसोथर्मल। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। अ प्रोसेस विच ऑकर्स एट सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल। और ये प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मतलब बेसिकली, लेट अस गो लिटिल बिट इनटू बेसिक्स, और भी थोड़ा नीचे जाके सोचते हैं।
इफ आई आस्क यू कि मटेरियल्स को कैटेगराइज करो, तो आप बोलोगे थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. देन आई आस्क यू सॉलिड्स को कैटेगराइज करो, देन यू विल से कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर. हाउ डू यू नो? आप करंट पास करोगे, पास हो गया तो कंडक्टर, नहीं हुआ तो इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर मतलब, करेक्ट. बट गैस, गैस के थ्रू यू कैन नॉट पास करंट बिकॉज इट डज नॉट कंडक्ट, राइट. तो अब गैस का जब स्टडी करना होता है तो यू हैव टू चेंज द पैरामीटर टू स्टडी. तो यहाँ पे क्या पैरामीटर है? तीन, एक्चुअली चार, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. चौथा होता है एंट्रोपी, जो केमिस्ट्री स्पेसिफिक सीखोगे आप. यहाँ पर फिजिक्स में एंट्रोपी ये वर्ड नहीं सुनोगे आप. एनीवेज, तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यू हैव थ्री पैरामीटर्स, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो जब आप टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हो, आप वॉल्यूम चेंज करते हो और चेक करते हो प्रेशर में क्या चेंज हुआ, फिर आप बोलते हो प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ, राइट. Volume is proportional to temperature at constant pressure, Charles law. Pressure is proportional to temperature at constant volume, Galuzak's law. So anyways, we are not going into that depth. The idea here is process matlab kya? Process matlab ek physical parameter ka change hona. Process is something which brings change in physical parameter. That is what you need to know. Ab hamare sound wave aur iska kya connection hai? Hai connection, kyunki jab कंप्रेशन जनरेट होगा तो कौन सा फिजिकल पैरामीटर चेंज होगा? प्रेशर, डेंसिटी. तो वो प्रोसेस है, राइट. अगर उस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है. तो जो न्यूटन का फॉर्मूला है, न्यूटन अज्यूम्ड कि द फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. सो न्यूटन अज्यूम्ड, Newton assumed that formation of compression and rarefaction is an isothermal process. Isothermal process मतलब process occurring at constant temperature. और आपको पता है, मैंने अभी भी बताया कि जो भी isothermal process हो is a very slow process. तो slow process हो तो gas को, medium को time मिल जाएगा कि जो heat compression पे generate हुआ, क्योंकि heat तो compression पे generate होगा, रेयरफैक्शन पे तो कूलिंग होगा. सो विच मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज आइसोथर्मल प्रोसेस, विच मीन्स इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड हेंस हीट प्रोड्यूस्ड एट compression and cooling at rarefaction gets sufficient time to dissipate and hence temperature of the medium remains constant and hence temperature of the medium remains constant. यहां तक आइडिया क्लियर होना चाहिए. जब जब कंप्रेशन बनेगा तब तब हीटिंग होगा, और अगर ये कंप्रेशन का फॉर्मेशन ये वेरी स्लो है तो कंप्रेशन पे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको टाइम मिल गया डिसिपेट होने के लिए. मतलब थ्रू आउट मीडियम कंप्रेशन पे हीट हो रहा है, रेयरफैक्शन पे कूलिंग हो रहा है, और देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर एनर्जी टू डिसिपेट. मतलब थ्रू आउट द मीडियम टेंपरेचर विल रिमेन कांस्टेंट, राइट. इतना बताना चाहिए. अब इसका मतलब ये जो ई आप लिख रहे हो,
पी आपको पता है क्या है, मॉडुलस ऑफ रिलेटिविटी। इसमें टाइप्स होते हैं, इसमें आइसोथर्मल मॉडुलस भी होता है और नॉन आइसोथर्मल भी होता है। नॉन आइसोथर्मल कौन सा, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल आइसोथर्मल। इसका मतलब द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मस्ट बी आइसोथर्मल, मस्ट बी आइसोथर्मल। नॉर्मली साउंड वेव, जैसे आई एम स्पीकिंग, तो साउंड वेव इज ट्रेवलिंग थ्रू एयर, तो एयर के लिए जो आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है इट इज इक्वल टू प्रेशर, बट फॉर एयर दिस मॉडुलस, कौन सा आइसोथर्मल, दिस मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर, इज इक्वल टू प्रेशर, देयरफॉर ई इक्वल टू पी। एंड नाउ यू नीड टू नो कि प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं। तो प्रेशर फाइंड करने के लिए यू हैव अ इंस्ट्रूमेंट, बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है ये, आप 12th में सेकेंड चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सीखोगे। इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर। You will see exactly how it works. So, mercury barometer is normally used to measure atmospheric pressure. Atmospheric pressure, but the pressure of air on the surface of Earth. Right? Details we will see in 12. अभी हमको जरूरत नहीं है, हमसे पता होना चाहिए कि how do we measure. तो एक tube होता है, उसमें mercury होता है. Depending on what is the pressure here, ये mercury का height will be लेस और मोर। तो एयर के केस में, अर्थ के सरफेस के केस में, द हाइट ऑफ दिस कॉलम, मर्क्यूरी का जो कॉलम है उसका हाइट आता है 76 सेंटीमीटर, विच इज 0.76 मीटर, राइट। और प्रेशर आपको मेजर करना है तो इट इज एच इंटू डेंसिटी। किसका डेंसिटी, मर्क्यूरी का। क्यों मर्क्यूरी का, क्योंकि आप प्रेशर मेजरमेंट के लिए क्या यूज कर रहे हो, मर्क्यूरी। तो डेंसिटी किसका, मर्क्यूरी का। यहाँ पे डेंसिटी किसका, मीडियम का, थ्रू विच द साउंड इज ट्रेवलिंग। तो ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी और ये आ गया आपके पास जी, राइट। अब ये इक्वेशन नंबर टू, आप इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट करोगे और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी पता होना चाहिए 13,600 किलोग्राम, 13.6 टन। मतलब मैं अगर एक मीटर बाय एक मीटर बाय एक मीटर का बॉक्स लेता हूं, उसको कंप्लीटली मैं अगर एयर से भरता हूं, एयर से, तो उसमें 1.293 किलोग्राम ऑफ एयर जाएगा, जस्ट 1.29 किलोग्राम ऑफ एयर। अगर उसी बॉक्स को मैं वाटर से भरता हूं तो 1000 किलोग्राम जाएगा, 1 टन। उसी बॉक्स को मैं अगर मर्क्यूरी से भरता हूं तो 13,600 किलोग्राम, इज सो हैवी, हाईली डेंस, राइट। सो if you use this in equation number 1, using h की value 76 सेंटीमीटर, मतलब 0.76 मीटर, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड g की वैल्यू एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डेंसिटी ऑफ एयर जिसको मैं रो बोला है एज 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इन इक्वेशन नंबर टू वी गेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, क्योंकि इट इज ट्रेवलिंग थ्रू एयर, अंडर रूट ऑफ एच रो एम जी बाय रो एयर, ये आता है 279.9 मीटर पर सेकेंड, रफली पुट एच 0.76 मीटर, पुट रो 13,600, put g 9.8 and density of air 1.293, सब calculation करने के बाद you get 279.9 meter per second. Good. तो अब ये जो value है velocity of sound in air, ये आया from Newton's formula. Then there were many scientists जिन्होंने experimentally 0 Kelvin पे sound का speed in air measure किया. And it turned out to be 332 meter per second, so near about 332. So, experimental value, यहाँ पे एक word important है,
दैट इज बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बट बिकॉज दिस क्रिएट्स डाउट नाउ ओके बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड रफली अभी कोई बुक में 332.3 दिया है किसी बुक में 332 दिया है डजंट मैटर इट्स ओके राइट तो अब हुआ ये कि 332 मिल गया तो पीपल स्टार्टेड डाउटिंग कि थ्योरी गलत है कि एक्सपेरिमेंटल एरर है बिकॉज यू नो व्हेन यू डू मेजरमेंट्स देयर आर एरर्स तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे बार बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके मेजर किया तो भी वैल्यू इतना ही मिलता है इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द थ्योरी और कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है 332 to 280 roughly 16% का डिफरेंस है तो 16% का एरर है सो देयरफॉर व्हाट यू हैव इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 16% ग्रेटर या फिर लार्जर देन थ्योरेटिकल वैल्यू तो ये वैल्यू एक्सेप्ट तो नहीं हो सकता राइट इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर ओके तो लैपलास नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये आइडेंटिफाई किया कि व्हाट इज रॉन्ग विथ न्यूटन्स फॉर्मूला तो ही वेंट थ्रू all the theory he did calculations again and he did experiments again and then he said in Newton's formula is based on isothermal process right or isothermal process matlab there is no change in temperature when compression or rarefaction they are formed then he gave a simple argument so abhi basically maan lo do you know what is the range of frequencies that we humans can hear 20 hertz to 20,000 hertz so now if you see example agar main 500 hertz ka ek sound le leta hu वैसे sound जब बोलता हूं तो मैं बोलता हूं note right note मतलब some particular frequency of sound so let us take a sound wave having frequency of 500 hertz what does that mean 500 हर्ट्ज मतलब आपको पता है जब साउंड जनरेट होगा तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर सेकेंड तो अगर मैं 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं मतलब पार्टिकल ऑफ एयर आर वाइब्रेटिंग 500 टाइम्स पर सेकेंड मैं तो 500 पे ही आया ह्यूमंस कैन हियर 20,000 तो 20,000 हर्ट्ज मतलब पार्टिकल्स ऑफ द एयर आर वाइब्रेटिंग 20,000 टाइम्स पर सेकेंड तो हाउ कम इट कैन बी अ वेरी स्लो प्रोसेस इट कैन नॉट बी अ वेरी स्लो प्रोसेस इट इज अ वेरी रैपिड प्रोसेस और जब प्रोसेस रैपिड होता है जैसे मैंने आपको पिस्टन का आर्गुमेंट बताया था स्लो था बट इफ यू टेक रैपिड प्रोसेस सो इफ यू टेक अ प्रोसेस विच इज ऑकरिंग वेरी फास्ट तो इन दैट केस वापिस से मैं सेम ही एग्जाम्पल लूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो व्हाट यू हैव ये आपके पास पिस्टन है मान लो दिस इज द पिस्टन नाउ एंड यू हैड सम गैस हियर इमेजिन दिस गैस इज गेटिंग कंप्रेस्ड यू नो 500 टाइम्स अ सेकेंड मतलब वाइब्रेशन सो रैपिड राइट तो ये जो वर्क हो रहा है इट विल बी कन्वर्टेड टू हीट एंड द प्रोसेस इज सो रैपिड दैट गैस को सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिला जो ये हीट जनरेट हुआ ड्यू टू वर्क टू गिव इट टू द सराउंडिंग राइट इसका मतलब जो कंप्रेशन पे हीट जनरेट हुआ और जो कूलिंग रेयरफैक्शन पे हुआ है दे डोंट हैव सफिशिएंट टाइम टू डिसिपेट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हो नहीं सकता सच अ वेरी रैपिड प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस ओके तो
लैपलास पॉइंटेड आउट दैट ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है, इट इज नॉट रियली आइसोथर्मल. सो अकॉर्डिंग टू लैपलास, लैपलास पॉइंटेड आउट दैट फॉर्मेशन ऑफ compressions and rarefactions is not isothermal but it is a very rapid process. It is a very rapid process. और इस रैपिड प्रोसेस को आप बोलते हो एडियाबैटिक प्रोसेस. डिटेल्स आप 12th में सीखोगे एडियाबैटिक प्रोसेस. हेंस द हीट प्रोड्यूस्ड एट कंप्रेशन एंड कूलिंग cooling at rarefaction, क्योंकि rarefaction में particles go away from each other, मतलब वहां पर density कम हो रहा है, तो density कम होना it is accompanied with cooling, okay? So cooling at rarefaction, the heat produced at compression and cooling at rarefaction, क्या होगा? Do not have sufficient time to dissipate. Not have sufficient time to dissipate. इसलिए जो basic assumption था कि ये elasticity का जो modulus था, they have taken it to be isothermal नहीं चलेगा. Hence, the modulus of elasticity must be adiabatic and not isothermal. Hence, the modulus. Hence, the modulus of elasticity must be adiabatic. Isothermal नहीं चलेगा यहां पे. एक ही डिफरेंस है और वो आप 12th में डिराइव भी करोगे. You will derive in 12th. ये जो adiabatic modulus होता है ये आइसोथर्मल मॉड्यूलस से सिर्फ एक चीज आता है, यू मल्टीप्लाई विथ गामा, वेयर गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और स्पेसिफिक हीट ये भी आप सूनर और लेटर अभी 11th में सीखोगे. ओके, फॉर द टाइम बीइंग इट्स ओके जस्ट टू नो ये गामा है. गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट specificated constant pressure to that of constant volume. और air के लिए इसकी value आती है 1.41. That's all you need to remember. That's it. बाकी details जिस chapter में होगा तब समझेगा. तो सिर्फ इतना difference है कि E आएगा gamma P. Therefore V equal to E upon density था, तो अब gamma P upon density होगा. फिर P तो आपको पता ही है H rho G. Gamma की value पता ही है 1.41. So this is equal to under root of gamma h rho mg upon rho air. So when you do all the calculations, you get 332.3 meter per second. अब आ गया theoretical value और experimental value almost same, right? इसका मतलब जो correction Laplace ने suggest किया था, it is right. So Laplace said ये जो प्रोसेस आप isothermal ले रहे हो, it cannot be isothermal because it's a rapid process. And rapid process में the system, मतलब हमारे केस में gas, does not have time to dissipate energy. तो आप only by putting this extra gamma factor you get correct answer, right? Good. तो यहां तक it should be very clear now. Interesting है, कल का थोड़ा boring था क्योंकि वहां पे क्या अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, टेंशन कहां से आया, मास पर यूनिट लेंथ कहां से आया, दिस इज समथिंग रियली इन डेप्थ. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. अब
Now we want to see what are the factors affecting speed of sound in air. What are the different factors which can change the velocity of sound in air? So factors affecting velocity of sound in air. इन एयर नहीं भी लिखोगे तो जनरल भी बात कर सकते हो. ओके, तो देर आर मेनी फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हमको देखना है कि प्रेशर अगर चेंज हुआ तो हाउ विल वेलोसिटी चेंज. फिर आप बोलोगे दिख तो रहा है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर प्रेशर चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होगा. प्रेशर बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, प्रेशर कम हुआ तो वेलोसिटी कम होगा. No, wait a minute. ये दिख तो रहा है but there are some hidden information inside. वो हम देखेंगे. तो first thing is we need to check what is the variation of velocity of sound with pressure. What is the effect of pressure on velocity of sound? Number two, we will check temperature. Effect of temperature on velocity of sound. Number three, humidity. Because you know, some places have high humidity. Huh? Cities like Mumbai. We will see that. We will see what is humidity and how it is related. We will check it out. Wo related hai, of course, but formula se prove karna padega ki what is the relation between density and humidity. Okay? Or pressure basically. So we will check it out. So number one, effect of pressure. Effect of pressure on velocity of sound. So of course you know, हमें पता है V is equal to, तो क्या पता है V equal to gamma P by rho. This rho is density of medium. In our case is air. But you also know, what do you know? Rho is mass per unit volume. So therefore, V, अब मैं इसको capital लिख रहा हूँ, just not to get confused, क्योंकि left hand side पे velocity है और ये V ये volume का है. तो V equal to under root of gamma P upon mass upon volume. ये जाएगा ऊपर. Therefore, speed equal to under root of gamma P into volume by correct. Now थोड़ा time पहले मैंने आपको तीन law बताए, चार्ल्स law, गेलुजैक्स law, बॉयल्स law. तो बॉयल्स law आपको बताता है कि P V equal to constant, क्योंकि pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. गेलुजैक्स law आपको बताता है P by T is a constant. या फिर और शॉर्टकट में लिखना चाहो तो P is inversely proportional to volume, P is directly proportional to temperature, volume is directly proportional to temperature. तीनों को कंबाइन कर दोगे तो PV equal to nRT. मतलब PV is proportional to temperature. बोल सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन, राइट? देखो P, अगर V को यहां शिफ्ट कर दिया तो P is inversely proportional to V, yes. P is proportional to T, yes. V is proportional to T, yes. इसको आप बोलते हो ideal gas equation, where N is number of moles of gas and R is universal gas constant. As I told you, there are few universal gas constants. One of them is gas constant. मतलब there are few universal constants. मतलब जो universe में कहीं भी जाओ, one of them is gas constant. Other is gravitational constant. So anyways. So if you write PV equal to nRT here, so V equal to under root of, kya hai? Gamma nRT upon N. Ab agar temperature constant hona, matlab P into V constant hona, to P into V constant ho jayega. Iska matlab velocity will become constant. तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर इफ द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, राइट?
में देश, क्योंकि आप बोलोगे दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, ऐसा नहीं है। प्रेशर चेंज हुआ लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट अगर है तो प्रेशर चेंज हुआ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, अल्टीमेटली पी इन टू भी कॉन्स्टेंट होगा अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो, राइट। तो बाय जस्ट सेइंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर समथिंग समथिंग वी सी दैट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नॉट ऑफ प्रेशर, हेंस इट इज, आई मीन इफ प्रेशर इंक्रीजेस वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस, इट डजंट वर्क लाइक दैट हियर। यहां पे टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू वी कॉन्स्टेंट है, अगर प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू वी कॉन्स्टेंट है, गामा तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है, मैंने बताया 1.41 वैल्यू होती है उसकी, एम मास कॉन्स्टेंट है। अब लोग कैसे कॉन्स्टेंट है, मैं दरवाजे को बंद कर देता हूँ, इस रूम में जितना एयर है 100 किलोग्राम मान लो, तो 100 ही रहेगा, बढ़ेगा तो नहीं, कम होगा नहीं। तो द मीडियम थ्रू विच यू आर प्रोपोगेटिंग साउंड वेव्स हैज कॉन्स्टेंट मास, तो कॉन्स्टेंट मास, मास कॉन्स्टेंट तो फिर वी कॉन्स्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हुआ तो इन दैट केस स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। ओके, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, यू हैव टू स्टार्ट विथ वी नो दैट, ऑफ कोर्स यू नो दैट, व्हाट यू नो इज वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय डेंसिटी, बट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, and therefore speed equal to under root of gamma pressure volume upon mass, right? But pressure into volume is constant, directly bol do ya to bol do is equal to nRT, where n is number of moles of gas. Okay, so if temperature of the medium through which temperature of the medium to which sound propagates is constant, then PV is constant. If the temperature is constant, n to वैसे भी constant है, आर वैसे भी कॉन्स्टेंट है, तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड देयर फोर वी विच इज अंडर रूट ऑफ गामा पी वी बाय एम इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, देयर फोर यू कैन से वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम given medium is independent of pressure if temperature is constant. So that is what you have. Okay, good. So if what is important, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रहेगा, मैं बोल रहा हूं अगर हुआ तो, गुड। देन नेक्स्ट वेरिएशन इज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड विद टेम्परेचर। तो आज हम सिर्फ उसका इक्वेशन बना लेंगे, एंड टुमारो मतलब इन द नेक्स्ट सेशन आई विल रिपीट अगेन, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे बिकॉज इट मे टेक फ्यू मिनट्स टू डिराइव। तो देर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ डिराइविंग द सेम इक्वेशन, ऑफकोर्स एक है शॉर्टकट और एक है लॉन्ग वे डिटेल्ड वे। मान लो मैं दो अलग अलग टेम्परेचर लेता हूं, लेट अस टेक वन टेम्परेचर एज 0 degree, एंड देन व्हाट वी विल डू इज हम वेलोसिटी ऑफ साउंड चेक करेंगे 0 degree पे, तो डेफिनेटली इट विल बी गामा पी जीरो बाय रो जीरो, वेयर पी जीरो इज प्रेशर एट 0 degree एंड वी रो जीरो इज डेंसिटी ऑफ द गैस और एयर एट 0 degree, और मैंने इसको बोल दिया वी जीरो स्पीड एट 0 degree। फिर मैं एक हायर टेम्परेचर लेता हूं,
सम टेम्परेचर टी, उस पे जो स्पीड होगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ गामा पी टी अपॉन रो टी, वेयर पी सफिक्स टी इज प्रेशर एट हायर टेम्परेचर टी एंड रो सफिक्स टी इज डेंसिटी एट हायर टेम्परेचर टी, राइट? गुड, तो पहले आपको इतना पता होना चाहिए. फिर आप बोलोगे अभी अभी तो मैंने बताया आपको, मैंने क्या बताया आपको, व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास अपॉन वॉल्यूम एट जीरो, और यहाँ पे वी टी इक्वल टू गामा पी टी मास अपॉन वॉल्यूम एट टी. एम जीरो और एम टी मत लिख देना, मास एट एनी टेम्परेचर इज द सेम. नहीं तो फिर लिख दिया एम जीरो एम टी, मतलब यू आर सेइंग कि जीरो डिग्री पे 10 किलो और वही 10 डिग्री पे 100 किलो, तो वैसा नहीं होता है, इट इज द सेम. इसको ऊपर ले जाएंगे तो यू हैव वी जीरो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी जीरो वी जीरो अपॉन एम. अगर मास टेम्परेचर चेंज होता तो सामान जो लोग बेचते हैं वो बराबर उतना टेम्परेचर करके जहां पे ज्यादा मास होगा फिर सेल करते. ओके, सो एनीवेज इट इज पी टी वी टी अपॉन एम. अल्टीमेटली हमें चेक क्या करना है, हमें देखना है व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ टेम्परेचर, मतलब एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो कितना वेलोसिटी में चेंज होगा, दैट इज व्हाट यू वांट टू चेक. तो एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो. दोनों को डिवाइड कर दिया तो वी टी बाई वी जीरो विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी टी वी टी अपॉन एम अपॉन गामा पी जीरो वी जीरो अपॉन एम. कैंसल 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 कैंसल, अंडर रूट ऑफ पी टी वी टी अपॉन पी जीरो वी जीरो. तो दिस इज इक्वल टू V is N R T, higher temperature T. तो यहाँ पे ये है आपके पास higher temperature T, क्योंकि P V equal to N R T और higher temperature मैंने लिया है small T upon N R zero. T zero, zero लिख दिया तो infinity हो गया, खत्म, right? लेकिन zero degree है, Kelvin में 273 आता है वो, right? तो ये और ये कैंसल, राइट? तो दिस इज थोड़ा सा एक छोटी सी कुछ तो गलती है, वी विल चेक इट आउट, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन 273, करेक्ट. नाउ हमें इक्वेशन चाहिए था, वी वांटेड टू चेक हाउ स्पीड चेंजेस विथ टेम्परेचर, तो एक फॉर्मूला मिल गया, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर. वॉट इज रॉन्ग, ये नीचे का जीरो डिग्री को तो आपने लिख दिया केल्विन में, ऊपर के टी को कौन लिखेगा केल्विन? हाँ, तो मैंने इसलिए बताया देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि ये दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट नॉर्मली हैपेंस, और आखिर तक फॉर्मूला बनता ही नहीं है. सो यू नीड टू मेक श्योर ऊपर डिग्री में तो नीचे डिग्री में, ऊपर केल्विन तो नीचे केल्विन में, बट नॉर्मली वी यूज केल्विन बिकॉज इट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, तो ऐसा यूनिट्स में आना चाहिए. तो दिस इज वी टी, एक काम करता हूं इसको वी जीरो को वहां लिख देता हूं, और ये क्योंकि रेस रूट है तो रेस टू हाफ कर देता हूं. ये टी बाई 273 और 273 बाई 273 वन, वन प्लस टी अपॉन 273, करेक्ट? अब टेम्पररली फॉर द टाइम बींग ये जो 1/273 इसको कुछ सिंबल दे देते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू 1/273 टेम्पररी. क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है. दिस अल्फा इज नॉट कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस की कोई बात ही नहीं है. साउंड इज ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट करंट हियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंसेस हियर. तो ये जस्ट अ कॉन्स्टेंट, आपको बीटा बोलना है बीटा बोलो, आपको गामा बोलना है गामा बोलो, कुछ नहीं बोलना तो कुछ मत बोलो. Doesn't matter. If you don't want to write this, कोई बात नहीं, it's okay. But ये देखना थोड़ा आपके लिए काम आसान करेगा. Then, अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूँ, तो Vt equal to V0 1 plus alpha t, क्योंकि 1 upon 273 is alpha raised to
अब आपको पता होना चाहिए बाइनोमियल एक्सपांशन, जो आप 11th मैथमेटिक्स में आपका हुआ होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। ए प्लस बी रेस टू एन, एन सी जीरो ए रेस टू एन बी रेस टू जीरो प्लस एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन बी रेस टू वन प्लस एन सी टू ए रेस टू एन माइनस टू बी रेस टू टू। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के टर्म्स में नहीं पता, डोंट वरी। नॉर्मली बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, जैसे आप ए प्लस बी स्क्वायर निकालते हो ना, हाँ, तो ये कहाँ से आया, कभी सोचा है कहाँ से आया? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, कहाँ से आया? ये आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला, एन सी जीरो। हैव यू वेंट थ्रू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? नो, तो ओके, डजंट मैटर। तो जस्ट लुक एट दिस एज अ फॉर्मूला, जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखोगे तब आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया होगा और उसके बाद ये फॉर्मूला आएगा। तो एन सी जीरो ए रेस टू एन बी रेस टू जीरो प्लस एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन बी रेस टू वन, ऐसा फॉर्मूला बनता है। आई डोंट केयर फॉर द टाइम बीइंग। हमारे पास ए है वन, बी है अल्फा, टी एन है हाफ, गुड। कंपेयर ए ए बी इज अल्फा, टी एन इज हाफ। तो जब आपके पास फ्रैक्शनल पावर होता है ना, फ्रैक्शनल वन बाई टू, इंटीजर नहीं, वन टू थ्री फोर नहीं, वन बाई टू वन बाई फोर ऐसा आता है ना, तो दो टर्म के आगे पहले दो टर्म यू गेट सम वैल्यू, उसके बाद के टर्म बहुत छोटे छोटे होते हैं। यू से निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर्स, मतलब दो टर्म के आगे के जो नंबर है वो बहुत छोटे होते हैं, 0.001 ऐसा कुछ है, तो हम लेते ही नहीं है उसको, छोड़ देते हैं। तो जब उसको छोड़ देते हो तो सिंपल सा एक काम करना पड़ता है, ये जो हाफ है ये हाफ को नीचे उतार लो और दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करना पड़ता है। अगर प्लस हाफ है तो प्लस हाफ, माइनस है तो माइनस हाफ, राइट। और नीचे लिख देना यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, इवन इफ यू डोंट नो एट दिस पॉइंट, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन जब सीखोगे तब सीखोगे, छोड़ दो। तो इस हाफ को उतार के नीचे रख दिया मैंने। अब ऑफ कोर्स दिस इज वी जीरो, वन प्लस वन बाय टू, अल्फा वॉज 273 और यहां पे आ गया टी, तो यह आ जाएगा वी जीरो, दिस इज 273 इंटू टू 546, 546 और ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो 546 प्लस 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 टी प्लस टी अपॉन, या ठीक है, ओके, डजंट मैटर, आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। तो ये आ गया अपॉन 546, ये 1 अपॉन 546 आता है 0.06 समथिंग समथिंग, अभी एग्जैक्ट वैल्यू आई विल चेक इट आउट। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर चेक करोगे तो चलो ठीक है, करके दे देता हूँ, 0. समथिंग आता है वो, डजंट मैटर, आई विल डू इट। तो ऐसा है, एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, वी जीरो मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस वी जीरो अपॉन 546 इनटू टी, तो दिस इज इक्वल टू वी जीरो प्लस, बट व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री? 332 roughly, तो roughly 332 अपॉन 546 टी, तो ये आता है 0.61, तो V0 प्लस 0.61 टी, ये आ गया फॉर्मूला विच गिव्स यू वेलोसिटी ऑफ साउंड एट हायर टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाओगे, 1 डिग्री मतलब एट 1 डिग्री, तो दैट विल बी 0.61 इंटू 1, 0.61 प्लस V0, व्हाट इज V0? 332, मतलब 332.61, 2 डिग्री से बढ़ाओगे तो 0.61 इंटू 2 मतलब 1.2, 1.2 में 332 ऐड करोगे तो 333.2, करेक्ट। तो दिस इज द फॉर्मूला विच टेल्स यू हाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इन दिस केस इज चेंजिंग विद टेम्परेचर। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, राइट।
तो जो स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं, आई विल रिपीट ऑल दिस इन द नेक्स्ट सेशन एंड विल आल्सो नोट डाउन प्रॉपरली। फॉर द टाइमिंग टुडे यू जस्ट हैड टू नो कि ये फॉर्मूलास कैसे यूज करने हैं, हाउ टू गेट टू दैट इक्वेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।